जितने भी भाई इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु का फॉर्म भरे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा और आप लोग मैक्सिमम टाइम अपने स्टडी में दे रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपका इंडियन एयरफोर्स का एडमिट कार्ड कब तक आएगा और एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी कब तक आ जाएगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्ट क्लियर कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मेरा नीचे दे दिया गया है और आप लोग मेरा व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक नहीं किए हो तो। और आप लोग एग्ज़ाम का जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोग प्रिपरेशन करो और लास्ट टाइम जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोगों को रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है तो आप लोगों को मॉक टेस्ट टेस्ट बुक से लगाना है। मैं टेस्ट बुक ऐप का नीचे लिंक दिया हूँ, जाके उस पर क्लिक करो, ऐप डाउनलोड करो और वहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट भी बहुत सारा मिलेगा और डेली वहाँ पे क्विज भी दिया जाता है तो वो भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हैं तो आप फ्री वाला भी दे सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप जाके टेस्ट बुक का ऐप डाउनलोड कर लो और आप मेरा कूपन कोड यूज कर लेना CXJ400। अगर आप ये वाला कूपन कोड यूज करोगे तो आपको यहाँ से अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, सब कुछ कैपिटल में है, CXJ400। तो ये वाला कूपन कोड आप यूज कर लेना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला मेरा जो है एडमिट कार्ड है पिछले बार का और इसी तरह का आपका एडमिट कार्ड इस बार भी आने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें अग्निवीर वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, बाकी कुछ आपका यहाँ पे जितना भी कुछ है वो सब सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इस बार आपका एक्स वाई नहीं रहेगा, साइंस और अदर देन साइंस रहेगा। तो ये मेरा पिछले बार का जो कि एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में हुआ था, मेरा एग्ज़ाम 12 जुलाई को था, ये उसका एडमिट कार्ड है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि पिछले बार जो एडमिट कार्ड ये वाला जो एडमिट कार्ड आया था 12 से 18 जुलाई तक एग्ज़ाम हुआ था तो उसका एडमिट कार्ड कब आया था तो ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। वैसे देखो एडमिट कार्ड आपका बहुत ही जल्दी आ जाएगा और बहुत ही जल्दी आपका इस बार सब कुछ हो जाने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम इस बार आपको नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ में। तो आप लोग हर एक चीज़ का प्रिपरेशन साथ ही साथ करते रहो, लाइक आप रनिंग पुशअप सेटअप ये सब एक साथ करते रहो और अपना आपको तैयारी भी करना है एग्ज़ाम का। तो पिछले बार जैसे कि 12 से 18 जुलाई में एग्ज़ाम था तो इसका जो एडमिट कार्ड था वो 30 जून को आ गया था, 30 जून को एडमिट कार्ड आ गया था, मतलब कि एग्ज़ाम से 12 दिन पहले एडमिट कार्ड आ गया था। तो अगर मैं इस बार का बात करूं कि इस बार आपका एडमिट कार्ड कब आ सकता है तो वैसे आपका देखो 12 तारीख या 13 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए, लेकिन अगर आपका 12 13 तक अगर नहीं आता है तो 15 तक हाईएस्ट है कि आपका 15 तारीख तक एडमिट कार्ड एनी हाउ आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। आप ये समझ के चलो कि आपका 14-15 तक आपका एडमिट कार्ड एनी हाउ आ ही जाएगा और सबसे पहले आपको उसमें एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। आपका कहाँ पर एग्ज़ाम है वो सेंटर आपका नहीं दिखेगा, आप जो है 72 आवर पहले मतलब 3 दिन पहले आप अपना रियल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। आपका सिर्फ और सिर्फ एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी आपका ये दिखेगा और कौन सा सीट में एग्जाम है ये दिखेगा। तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो 15 तारीख तक आ जाएगा। आप लोग इतना ज़्यादा पैनिक मत हो, आप लोग का एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द आ जाएगा और आप लोग एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं जाके ऑफिशियल वेबसाइट से। और कैसे करना है तो जब आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो आप लोग अपना जो है ज़्यादा टाइम अभी प्रिपरेशन में दो और जितना ज़्यादा हो सकता है आपको लास्ट टाइम रिविजन करना है, जो भी आप नोट्स बनाए हैं या फिर जो भी बुक आपके पास है आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही ज़्यादा से ज़्यादा करना है और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट लगाना है और जितना ज़्यादा हो सकता है आपको मॉक टेस्ट का रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट लगाना जितना ज़रूरी है उससे 10 गुना ज़रूरी है उसका रिवीजन करना, क्योंकि अगर आप गलतियों से अगर आप नहीं सीखते हैं तो फिर मॉक टेस्ट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको मॉक टेस्ट तो लगाना ही है, साथ ही साथ आपने जो उसमें गलती किया है वहाँ से आपको सीखना है और ताकि नेक्स्ट अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कोई मिले तो आप उसमें गलती ना करो। तो इस बात का आप लोग ध्यान देना। अगर आप लोग का कोई और क्वेरी हो तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू एंड जय हिंद।